हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए और एक भर्ती लेकर आया फ्रेंड। ये भर्ती निकाली गई है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। ये पूरे भारत के लिए फ्रेंड वैकेंसी, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप लोग सारी बेसिक जानकारी देने वाला हूं फ्रेंड, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट और कब से अप्लाई कर सकेंगे, सारी बेसिक जानकारी आप लोग प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दें फ्रेंड, ताकि इससे रिलेटेड सभी वैकेंसी बारे सबसे पहले आप लोगों को अपडेट सके। तो चलते फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन जारी किया फ्रेंड, वो 5 अगस्त 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया कर दी गई थी और यानी पब्लिकेशन। और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 5 अगस्त से ही, आज 6 अगस्त फ्रेंड, आज से इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जबकि लास्ट डेट रखी गई अप्लाई करने के लिए 45 दिनों का आप लोगों को टाइम दिया गया फ्रेंड। 45 दिनों के अंदर अप्लाई कर देना, यानी कि 1.5 महीने के अंदर आप लोग अप्लाई करना है फ्रेंड, वो भी ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो के अंत में इस वीडियो बताऊंगा फ्रेंड कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और किस तरह आपको फॉर्म को किस एड्रेस पर भेजना है ऑफलाइन के माध्यम, सभी जानकारी इस वीडियो देने वाला फ्रेंड। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स की वैकेंसी डिटेल्स के, सबसे पहले जान लेते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है। तो देख सकते हैं जो सीरियल नंबर वाइज वैकेंसी फ्रेंड, जो पहला पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन में, इसमें आपको नंबर वैकेंसी निकाली गई 40। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रेंड अप्लाई करने के लिए, आपका 12 पास होनी चाहिए, उसके साथ आपका आर्किटेक्चर या फिर आप ड्राफ्ट्समैन में आपके क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है फ्रेंड हिंदी टाइपिस्ट के लिए, इसमें आपका नंबर वैकेंसी देखने की मिलेगी 22, और इसमें आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपका 12 क्लास के साथ आपका हिंदी टाइपिस्ट नॉलेज हो तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। और उसका जो नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड सुपरवाइजर स्टोर्स के लिए, इसमें आपका नंबर वैकेंसी निकाली गई 37। इसमें आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए और उसके साथ आपका मटेरियल मैनेजमेंट या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल या स्टोर कीपिंग में क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है फिर रेडियो मैकेनिक के लिए, इसमें आपका वैकेंसी निकाली गई 2। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10 क्लास, उसके साथ आपका ITI रेडियो मैकेनिक में क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, यानी कि अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पोस्ट, इसमें आपका वैकेंसी निकाली गई 1, और आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रेंड अप्लाई करने के लिए आपका 12 पास होनी चाहिए, उसके साथ आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट फ्रेंड वेल्डर के लिए, इसमें आपका वैकेंसी निकाली गई 15, और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10 क्लास होनी चाहिए, उसके साथ आपका ITI वेल्डर में या इलेक्ट्रॉनिक एंड गैस में आपका ITI सर्टिफिकेट है 10 के साथ, इस पोस्ट के लिए भी आप आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट फ्रेंड जो आपकी पोस्ट है मल्टी स्किल वर्कर मेसन और मेस वेटर के लिए, इसमें आपका नंबर वैकेंसी निकाली गई 220। सबसे ज़्यादा इसी पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड, और इस पोस्ट अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 10 पास होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 10 पास है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आप लोग अप्लाई करना है फ्रेंड, सबसे पहले इससे बात कर लेते हैं इसकी जो अप्लाई करने की आपकी फ़ी पेमेंट करना होगा, तो जनरल OBC और EWS यानी कि Ex-servicemen कैंडिडेट के लिए फ्रेंड ₹50 आवेदन फी लगेगा, और अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट है तो नील लगेगा, यानी कि फ्री में इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। और जो पेमेंट मोड रखी गई फ्रेंड, ये नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा यानी कि ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक ड्रॉम के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और फिर इसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोग CL No. 1 से 6 पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स एक रखी गई है। और अगर आप लोग CL No. 7 पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स एज होनी चाहिए इस पोस्ट अप्लाई करने के लिए। और एज रिलैक्सेशन जो आपकी छूट दी गई है OBC के लिए 3 ईयर्स और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स के लिए छूट दिया गया एज रिलैक्सेशन में। तो फ्रेंड इसकी जो कहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन जारी करना है, फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, किस एड्रेस से भेजना है, तो इसका लिंक मैं अपना डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते इस फॉर्म को। और किस तरह फॉर्म को भरना है फ्रेंड यहाँ दिखा देता हूं फ्रेंड, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये ऑफलाइन माध्यम से आप लोग भेजना है फ्रेंड, ये आप लोगों के सामने ये फॉर्म रहा है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म फिलअप कर देने के साथ आपको ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग भेजना है फ्रेंड बाय पोस्ट को, जिस एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है उसका एड्रेस ये रहा फ्रेंड, इस एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है फ्रेंड बाय पोस्ट के द्वारा। और इस कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे तो यहाँ पे दे दी गई फ्रेंड, मेंशन कर दिया गया है कि कौन इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ओनली मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई, यानी कि मेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई, फीमेल कैंडिडेट के लिए जरूरत नहीं फ्रेंड, सिर्फ मेल कैंडिडेट की जरूरत है, इस कारण मेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया का किसी भी राज्य से तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दूंगा फ्रेंड, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वैकेंसी बारे में आप लोग अपडेट देता रहो फ्रेंड, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को जरूर दबा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।